ऑस्ट्रेलिया के हाथों विशाखापट्टनम T20 में टीम इंडिया को 3 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें आपको कि भारतीय टीम का पूरी तरह से बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया। 80 पर 2 से भारतीय टीम 126 पर 7 पहुंच गई। बड़ी बात यह रही कि आखिरी 11 ओवरों में भारत ने महज 57 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि गेंदबाजों ने भारत की वापसी कराने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अब भारत को भी सोचने की जरूरत है कि आप किस तरह की टीम को उतारना चाहते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा स्थिति में क्रिकेट के 2 फॉर्मेट यानी कि T20 और वनडे क्रिकेट में भारत का मध्यक्रम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और इस मध्यक्रम को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। दादा ने कहा कि इस वजह से धोनी भी अपना गेम खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं और बल्लेबाजों को अपने रोल को समझना पड़ेगा, वरना विश्व कप में अगर आप इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे या इस तरह का मध्यक्रम लेकर जाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।